फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एकदम कम लागत में होने वाली है और इसे वो महिलाएं भी कर सकती हैं जो घर में रहती हैं और पढ़ी लिखी नहीं है। बस इस बिजनेस में आपको थोड़ी सी जगह की जरूरत है और आप को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे देश में लिज्जत पापड़ बहुत ही फेमस है, उसका बिजनेस भी एक औरत ने शुरू की थी और वो बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है। तो आप भी अगर खाली बैठी हैं घर में तो आप पापड़ का बिजनेस करें, क्योंकि इसका डिमांड हर घर में होती है, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कहीं भी हो, लेकिन इसकी डिमांड तो डेली ही रहती है और इसे दैनिक उपयोग भी किया जाता है। कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ऐसा फंक्शन है तो इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो आप इस बिजनेस को घर से शुरू करते हैं, पहले तो आप अकेले ही इस बिजनेस को शुरू कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे आपको और भी महिलाओं या पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आप ऐसे महिलाएं जो आपके घर के आसपास रहती हैं, वो भी बेरोजगार है, तो आप उन्हें अपने रोजगार से उन्हें जोड़ सकते हैं। आप किसी के साथ मिलकर या कमीशन पे बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उन्हें दैनिक वेतन पे भी इस बिजनेस के लिए राजी कर सकते हैं। आपको वैसे तो उन महिलाओं को जोड़ना है जो कि पापड़ बना ले। आप उन्हें पहले सिखाएं, जैसे वो सीख जाएंगे फिर आपका काम वो संभाल लेंगे। तो आप महिलाओं को इस कार्य से जोड़ें। शुरू शुरू में आप इसकी डिलीवरी घर घर जाकर दे सकती हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि हाँ, हमारे पापड़ को पसंद किया जा रहा है, तो आप बड़े बड़े दुकानों, प्रतिष्ठानों में भी इसकी बिक्री कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर इसे बेच सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।